हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन. फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी डाईहाइड्रोजन की. तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे नंबर वन प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, डाइहाइड्रोजन इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, लाइटर देन एयर. लाइटर देन एयर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. डाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन. नंबर वन, रिएक्शन विद हैलोजन. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज हैलोजन एलिमेंट्स. हैलोजन एलिमेंट्स सच एज एफ सी एल बी आर आई और वी कैन से दैट ग्रुप 17 एलिमेंट्स. रिएक्शन विद हैलोजन टू एच टू विच प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट रिएक्ट विद ओ टू ऑल्सो प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट देन वी गेट एच टू जी प्लस एक्स टू जी. हेलोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वेयर एक्स इक्वल टू हेलोजन. तो एक्स टू टू एच टू प्लस एक्स टू जी गिव्स टू एच एक्स विच ऑल्सो प्रेजेंट इन जी वेयर एक्स इक्वल टू एफ सी एल बी आर और आई. देन नेक्स्ट रिएक्शन विद रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन. रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन थ्री एच टू प्लस एन टू गिव्स टू एन एच थ्री. हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? अमोनिया. तो ये चीज़ हमको याद रखनी है. उसके बाद आगे चलेंगे रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल एच टू जी प्लस टू एम जी टू एम एच विच प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट वेयर एम इक्वल टू बेसिक मेटल या और एल्कली मेटल. नो वेरी वेल एल आई एन ए के आर बी सी एस ई टी सी एंड बी ई एम जी. तो रिएक्शन विद मेटल ऑल्सो इम्पोर्टेंट. रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन यहाँ है, रिएक्शन विद मेटल यहाँ है. नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एच टू प्लस सी यू प्लस
CH2। RCH डबल बॉन्ड CH2, देन वी गेट RCH2 CH2 CHO, ये मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन H2 प्लस RCH2 CH2 CHO रिएक्ट्स, देन वी गेट RCH2 CH2 CH2OH। नेक्स्ट हेडिंग हाइड्राइड्स क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर वन आयनिक हाइड्राइड्स, नंबर टू कोवेलेंट हाइड्राइड, नंबर थ्री मेटेलिक हाइड्रेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड वी कैन से दैट आयनिक बॉन्ड, इन केमिकल बॉन्डिंग वी स्टडीड अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग, वी नो दैट इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, देन वी कैन से दैट इट इज आयनिक बॉन्ड एंड 1.7 लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन वी कैन से दैट इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन क्लासीफाइड हाइड्राइड इन टू थ्री पार्ट, नंबर वन आयनिक हाइड्राइड, नंबर टू कोवेलेंट हाइड्राइड, नंबर थ्री मेटेलिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट वाटर, इन वाटर मॉलिक्यूल वी स्टडीड अबाउट द VSE PR थ्योरी इन केमिकल बॉन्डिंग, इन प्रीवियस केमिकल बॉन्डिंग वी स्टडीड अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल सराउंडेड बाई ओनली बॉन्ड पेयर नॉट बाई लोन पेयर देन इट विल हैव ए रेगुलर शेप। सो इन दिस चैप्टर इन दिस एग्जाम्पल H2O वी नो दैट ऑक्सीजन कंटेंट टू लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ H2O इज बैंड शेप एंड बॉन्ड एंगल 105/5 degree due to presence of two lone pair. Classification of water, hard water and soft water. Hard water oblique soft water. What is hard water and what is soft water? एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई वाटर है और वो हमारी सरफेस पे इस तरीके से फ्लो करता है, वो हमारी सरफेस पे इस तरीके से बह रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो एक क्या होता है, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है ना। तो वो अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से है ना, या मैं लिख सकता हूँ H2O क्या है, गुड सॉल्वेंट, और एक गुड सॉल्वेंट है ना, तो जब बहेगा ना तो सॉल्ट को क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, घोल लेगा। तो जैसे कैल्शियम सॉल्ट घोलेगा, मैग्नीशियम सॉल्ट घोलेगा, है ना। तो इस तरीके के सॉल्टों की प्रेजेंस है, ये क्या हो जाता है, अपने कुछ प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि हार्ड वाटर होगा या सॉफ्ट वाटर होगा। चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे।